हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज जायका। आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लूँगी और 2 चम्मच घी, मैंने घर का बना हुआ घी लिया है। और इसमें डालेंगे हम रफली चॉप किए हुए प्याज, उन्हें हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा कुक कर लेते हैं इसको। अपने प्याज कुक हो चुके हैं तो इसमें डालेंगे हम काजू, डाले हमें 5-7, और 2 टमाटर कटे हुए, 1 तेज़पत्ता डाला है, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, और 2-3 डाली में लौंग और थोड़ा सा जीरा, और इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सबको मिक्स करते हुए थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो ये मिक्स करते हुए हमें लगातार कुक करना है। इसके लिए बनाऊंगी मैं एक सीक्रेट मसाला। तो उसके लिए मैंने आधी कटोरी दही ली है, उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। तो इनको मिक्स कर लेंगे और ये जाएगा अपने जो मिक्स प्याज टमाटर का जो आपने मसाला बनाया है उसके साथ। तो इनके अंदर इस मिक्सचर को डाल देंगे और इसमें ही पानी ऐड कर देंगे और लगातार चलाते हुए हमें इन्हें कुक करना है। ये हमारे कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं, उबाल भी आ गई अच्छी। तो इनको थोड़ा सा चला लेते हैं और पका लेते हैं। ये पक चुकी हैं सारी सब्जियां, तो गैस कर देंगे हम बंद, इनको एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये हमारे मसाला है पक चुका है, तो इसमें जो खड़े मसाले डाले थे हमें उन्हें अलग करना है, क्योंकि हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये जो खड़े मसाले डाले थे तो उनका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैं इनको निकाल रही हूँ और इनको हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर से। इसका हमें एक स्मूथ सा टेक्स्ट चाहिए, देखिए इस तरह का, और इसे मैं स्ट्रेन कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ना भी करें, लेकिन अगर आपको स्मूथ रेसिपी चाहिए, बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर चाहिए, तो उसके लिए आपको स्ट्रेन कर लें। तो मैं कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसमें सीक्रेट मसाला डाल रही हूँ मैं, थोड़ी सी चीनी। तो इसको थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देंगे तेल के साथ, और इसी के साथ डालूंगी मैं आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च, और अपना जो मिक्सचर बनाया था उसको डाल देंगे। तो इसको गर्म कर लेते हैं दोबारा से। और इसमें डालूंगी मैं घर का बना हुआ मक्खन, तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी डालूंगी मैं क्रीम, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं डालने वाली हूँ इसमें जो मैंने काट के रखे हुए थे पनीर क्यूब्स पनीर के, तो उन्हें डाल देंगे इसके अंदर और एक अच्छी उबाल आने तक इसको पकाएंगे। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर लग रहा है अपनी रेसिपी का। और इसमें डालूंगी मैं कसूरी मेथी, तो इसको मैं हाथों के बीच में डाल के क्रश कर रही हूँ, और इससे अपनी जो शाही पनीर है इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी, टेक्सचर भी अच्छा हो रहा है। ये अपनी पनीर उबलने लग गई है और पक भी चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक मैंने पहले भी ऐड किया था, तो उसके हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार मुझे कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था तो इसलिए ऐड किया है मैंने। तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही क्रीमी पनीर बनाया हमारा। इसके ऊपर से डाल दूंगी मैं कसूरी मेथी के थोड़े से पत्ते और हरा धनिया, ऊपर से कर देंगे क्रीम से क्या टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी सुंदर लगती है। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को
पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिए मत, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।